नमस्ते दोस्तों, सीता विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों मैं वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई आई हुई हूँ अपने बेटे का मुंडन कराने, जो जीवदानी माँ के धाम में मुंडन होगा। तो इसलिए मैं कोई रेसिपी बनाकर शेयर नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं वीडियो बनाकर आप लोग को भी शेयर करूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो हमने वीडियो बनाया हुआ है थोड़ा सा, जीवदानी माँ के धाम में अपने बेटे का मुंडन कराने गई थी, तो वहाँ पर वीडियो बनाया नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पे मना किए गए हुए थे कि यहाँ पे कोई वीडियो या फिर फोटो नहीं खींच सकते या फिर वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है जो आप लोग को भी शेयर करूँगी। तो हम लोग मंदिर आ चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि धाम नहीं खुला हुआ है, गेट बंद हुआ है। तो गेट खुलने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, गेट जब खुलेगा तभी हम लोग दर्शन कर पाएंगे। सभी लोग बैठे हुए हैं, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, वीडियो बनाने को मना कर रहे हैं। तो माँ का दर्शन हो गया है दोस्तों, तो माँ का दर्शन होने के बाद यहाँ पर मैं अपने बेटे का मुंडन करा रही हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी वीडियो या फोटो लेने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए मैं चोरी से छुपके से थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। मेरे बेटे की मन्नत 5 साल से थी दोस्तों, तो आज मन्नत पूरा होने जा रहा है। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे बेटे का मुंडन हो रहा है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। और यहाँ पे बाल रोपने की रस्में मेरी दीदी की बेटी पूरा कर रही है। तो फाइनली यहाँ पे मेरे बेटे का मुंडन हो गया है दोस्तों। तो बाल बनाने के बाद यहाँ के नाव लोग सर में पाउडर लगाते हैं,
ताकि कटा हो या फिर फुंसी निकली हो तो आराम हो जाए। तो नाव को हम नेक दे देते हैं बाल बनाने का। तो यहाँ पे मेरा बेटा बहुत ही गुस्सा में है क्योंकि उसका बाल बन गया है और उसका मुंह भी ख़राब लग रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं रूम पर क्योंकि अब शाम होने वाली है। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरा बेटा खाने वाला सामान लेकर आगे आगे चल रहा है क्योंकि वो अभी भी गुस्सा है, एक भी फ़ोटो नहीं लेने दिया।